रामायण शुरू होगी, छीनोगे तो महाभारत। फैसला तुम्हें करना है, रामायण के महाभारत। 500 करोड़ की फिल्म में बदलेगा अब रणवीर सिंह का लहजा, यानी 83 गोली बॉय और रॉकी और रानी के बाद रणवीर सीखेंगे अब नया एक्सेंट। पर ऐसा कौन सा कैरेक्टर आ गिर चुका है उनकी झोली में? तो दरअसल नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर आदित्य धार आर्टिकल 370 के बाद एक नई फिल्म लाने जा रहे हैं जिसका नाम है धुरंधर। और इस फिल्म में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त। और पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर इसमें सिख मैन का कैरेक्टर निभाएंगे, यानी सिख बनते हुए नजर आएंगे और वो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर प्ले करेंगे जिसकी शूटिंग करने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म होने वाली है और रॉ एजेंसी की हिस्ट्री में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इस कहानी का प्लॉट बेस्ड होगा, मतलब कि फुल पेट्रियोटिक काइंड ऑफ फिल्म। और इसमें रणवीर जो कैरेक्टर निभाएंगे उसका लुक तो अलग होगा ही, पर उसका एक्सेंट या उनका डिक्शन भी अलग होगा, जिसके लिए रणवीर को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और पेटर्निटी ब्रेक के बाद वो एकदम तैयार है किसी भी ट्रेनिंग के लिए या क्रैश कोर्स के लिए। वैसे भी रणवीर अपने करियर में पहली बार अपने एक्सेंट पर काम नहीं करने वाले किसी कैरेक्टर के लिए, बल्कि इससे पहले भी अपनी फिल्मों के लिए ऐसा कर चुके, जैसे कि उनकी आखिरी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उन्हें दिल्ली बॉय के रोल में दिखाया गया। अब वो खुद तो दिल्ली से है नहीं, इसलिए उन्हें दिल्ली से बिलोंग करने वाले एक इन्फ्लुएंसर से ट्रेनिंग दी गई और 3 दिनों में ही उन्होंने दिल्ली का एक्सेंट सीख लिया। उसके बाद अगर आप उनकी जयेश भाई जोरदार फिल्म देखोगे तो वो गुजराती बनते नजर आए थे, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो एक्सेंट पकड़ने के लिए वो खुद गुजराती थिएटर आर्टिस्ट के बीच अपना वक्त बिताते थे। और इसका एक और एग्जांपल है गर्ली बॉय। गर्ली बॉय में तो उनका वो टपोरी एक्सेंट सबको काफी पसंद आया, पर उन्होंने वो इतने दमदार तरीके से निभाया कि ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि ये कोई फेक एक्सेंट है या कोई फ्लॉप अटेम्प्ट है, बल्कि रणवीर ने उसे कैरेक्टर को एक्चुअल में जिया ऐसा लग रहा था। फिर बाजीराव मस्तानी में एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर का एक्सेंट, उसमें मराठी, 83 यानी कपिल देव की बायोपिक में उनकी जैसी वॉइस, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। तो धुरंधर के लिए रणवीर को कोई मुश्किल तो नहीं होने वाली। और दूसरी बात, उनके लुक को लेकर अगर वे पगड़ी पहनते सरदार जी बनकर नजर आएंगे तो एक नई बात होगी उनके करियर में, क्योंकि जब भी किसी कैरेक्टर को हम नए अंदाज में देखते हैं तो ऑलरेडी हमारी एक्साइटमेंट बढ़ ही जाती है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स में हमने इससे पहले कई बॉलीवुड एक्टर्स को देखा है, जैसे कि रॉकेट सिंह नाम की फिल्म में रणबीर कपूर, फिल्म अंतिम में सलमान खान, सरदार में अजय देवगन, और ऑडियंस को ऐसा कुछ नया देखने में काफी मजा तो आया। हाँ, पर जैसे लुक है वैसे एक्सेंट पकड़ने में हर कोई कामयाब नहीं हो पाता, बिकॉज सब पे सूट नहीं करता। पर रणवीर इन दोनों मामले में बैलेंस बनाने में कमाल के एक्टर हैं। वेल, रणवीर तो बहुत खुश हैं इस फिल्म को लेकर, और इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगे बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त, जो फिल्म के विलन होंगे, जिनके कैरेक्टर को मेकओवर देने वाले हैं। और KGF के धीरा के बाद उनका मेकओवर देखना काफी दिलचस्प बात होगी। वैसे फिल्म की लीडिंग लेडी को लेकर अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली, पर अगर आदित्य के साथ ही बॉलीवुड की कोई मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस रहती हो तो फिर कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यामी गौतम की, जो आदित्य धार की वाइफ हैं और जो मां बनने के बाद एक लंबे ब्रेक पर जा चुकी हैं। तो वे इस फिल्म के साथ वापस आ सकती हैं और रणवीर के साथ स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। तो देखना यह है कि इनका रोल इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि आर्टिकल 370 में एक इंटेलिजेंट ऑफिसर बनकर इन्होंने हमें बहुत इंप्रेस किया। पर इतना जरूर है कि आदित्य धार की फिल्म है, मतलब ये फिल्म ग्रैंड लेवल पर बनाई जाएगी और वो उस लेवल का ही होगा, क्योंकि ये वही बंदा है जिन्होंने उरी जैसी बढ़िया फिल्म बनाई, जिसने विकी कौशल को नेशनल अवार्ड दिलवाया, 25 करोड़ में बनी फिल्म ने 250 करोड़ कमाए। और ये वही आदित्य हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 लाई, जो 20 करोड़ के बजट पर 110 करोड़ कमा गई। इसका मतलब ये है कि धुरंधर में भी वो वाली बात होगी जिसका बजट शायद 500 करोड़ हो सकता है। तो क्या पता इस फिल्म के साथ रणवीर का कमबैक काफी बढ़िया तरीके से हो जाए। बोला आप धुरंधर के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। WhatsApp hi to 8828 8500 88.